हेलो दोस्तों, आज मैं आपको टैबलेट बनाना सिखाऊंगी। टैबलेट मतलब टिकिया, जैसे आप बीमार होते हैं टैबलेट खाते हैं ना, वैसे ही घर पे आलू के टैबलेट बनाते हैं हम, जिसको खा करके आपका मूड कैसा भी हो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपका मन अच्छा नहीं है तो आप मेरी रेसिपी देखें, ये टैबलेट बनाएं और इसे खा करके अपना मन अच्छा कर लें। और ये जो आलू की टिकिया है ना, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये मैं बचपन से बहुत ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि स्कूल कॉलेज जाती थी तो कॉलेज के सामने टिकिया समोसा ये सब मिलता था, तो मैं तो डेली ही बाहर खाती थी ये सब। और मैं बहुत ही फूडी हूँ आप सबको अब तक पता चल ही गया होगा। तो मुझे ना एक चीज़ खाना पसंद नहीं है, मैं हमेशा अलग अलग खाना कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। मुझे अचानक से याद आया, हरी मुझे तो टिकिया बहुत पसंद थी और ये सब जगह मिलती नहीं है, यूपी में मिलती थी, इसी वजह से मैंने बहुत टाइम से खाया नहीं था। तो फिर मैंने बोला मैं घर पे ही बना लेती हूँ, मैं क्यों इंतज़ार करूँ टिकिया खाने के लिए इतना लंबा। तो चलो बनाते हैं, मैं कुछ खास लगता नहीं है, बस देखिए मुझे 10 से 12 टिकिया बनानी है। देखिए इसको बनाने के लिए कुछ खास सामान नहीं चाहिए, सिर्फ 5 आलू मीडियम साइज के मैंने बॉयल कर लिया है, और उसको फिर छील करके उसमें लहसुन मिर्ची और हरी धनिया पत्ती, एक छोटा चम्मच नमक डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, मैश कर लिया आलू को अच्छे से। और फिर उसके बाद 50 ग्राम बेसन लेकर के इसमें 2 चुटकी हल्दी पाउडर और 1 चुटकी अजवाइन डाल करके धीरे धीरे पानी इसमें डालना है थोड़ा थोड़ा, और अच्छे से फेटना है। जितना अच्छे से देखिए आप इसको फेटेंगे उतना ही अच्छा आपका टिकिया बनेगा। तो इसको अच्छे से फेट करके बेसन को पतला कर लेना है, बहुत ज्यादा पानी जैसा नहीं करना है इसको, ये गाढ़ा होना चाहिए। अगर पानी जैसा रहेगा तो फिर ये टिकिया में चिपकेगा नहीं, आलू आप इसमें जब डुबाएंगे तो ये बह जाएगा, और अगर ये बहुत मोटा रहेगा तो भी ये आलू में नहीं चिपकेगा। तो इसलिए इसको जैसे मैंने घोल बनाया है वैसे घोल बनाइएगा। और फिर कढ़ाई में तेल रख दीजिए गरम होने के लिए, और फिर आलू की छोटी छोटी गोली बना करके दोनों हाथों से थोड़ा सा चपटा कर देना है, हल्का सा प्रेस करेंगे चपटा हो जाएगा। और फिर इसको बेसन दोनों साइड से लपेटेंगे आलू में, और फिर इस टिकिया को हम डुबा देंगे तेल में। तो एक बार तेल गर्म हो गया है मेरा, देखिए तो अब इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे ताकि अच्छे से बेसन पक जाए। तो फिर ये देखिए मैं ऐसे सब बेसन लपेट लपेट के तेल में डुबा रही हूँ, और ये बढ़िया से उसको दोनों साइड से उलट पलट के पका लूंगी, और गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तो फिर मैं इसको निकालूंगी। और आप टिकिया को ना हरी धनिया पुदीना की चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी, पर हाँ अगर हरी धनिया की चटनी नहीं है तो फिर आप इसको टमाटो सॉस या फिर रेड चिली सॉस से भी खा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मेरी गरम गरम टिकिया बहुत ही मजेदार यम्मी टेस्टी बन गई है। कम से कम 10 साल बाद मैं इसको खाने जा रही हूँ, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके ही, मैं इसको लप लप खाऊंगी। और हाँ आप मुझे कमेंट करके बताना नहीं भूलना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, मुझे फॉलो करें, ताकि मैं आपके साथ ऐसी ही लजीज उत्तर प्रदेश की जो डिशेज है शेयर करती रहूं हमेशा। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग, बाय बाय।